अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ निहारी की, जो कि मैं साशिन में बना रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मसाले पे रेके करके। और गरम मसाला तो मैंने घर पे खुद बनाया, अपने हाथों का बना हुआ गरम मसाला है। और ये मैंने चिकन ले लिया आधा किलो से ज्यादा, और ये मैंने अदरक और लहसुन इसी में कूट लिया क्योंकि टाइम कम था। और अभी बस अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी, और किसी की फरमाइश भी थी उसकी फरमाइश पे आज मैं पुदीने और धनिया की चटनी भी बनाऊंगी, वो रेसिपी शेयर करूंगी और निहारी की भी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी रेसिपी है। तो सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर। तो व्यूअर्स, एक बात का लाजमी ख्याल करना है, निहारी में तेल थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करना है। तो तेल गर्म होने तक का वेट करेंगे। ये प्याज हमने काट के रखे हैं बिल्कुल दो दो छोटे छोटे वाले, और इसको ना तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे। तो प्याज हम ऐड कर चुके हैं, अब इसको ना हमें गोल्डन होने तक पकाना है। तो व्यूअर्स, प्याज हमारे देख लें आप लोग, गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने इसके अंदर लहसुन और अदरक का जो पेस्ट हमने बनाया था वो हमने डाल दिया। अब चिकन ऐड करना है इसके अंदर, चिकन भी हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमें इसको अच्छे से भूनना है ताकि जो है ना हमारा जो ये जो चिकन है ना, और निहारी अगर चिकन ने बनाया ना, और चिकन अगर हम निहारी चिकन की बनाए ना, तो हमें ये करना है कि चिकन के पीसेस जो है ना वो थोड़े बड़े बड़े करवाने हैं। मतलब जैसे हम सालन में नॉर्मल चिकन कटवाते हैं ना, तो हमें निहारी के लिए थोड़े से बड़े बड़े पीस चाहिए। तो अब इसको उसमें फ्राई करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बिल्कुल सिंपल रेसिपी, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। चिकन हमारे हो गए फ्राई, अब उसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे, निहारी का जो साशा आता है, और घर के मसाले भी इसमें ऐड करेंगे। घर के मसालों में हमने थोड़ी सी लाल मिर्च ले ली, बस ज़्यादा और कुछ नहीं ऐड करना, बस हमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करनी है ताकि उसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा है। देखिए व्यूअर्स, कितना प्यारा सा कलर आया, कितना ज़बरदस्त सा कलर आया। थोड़ी सी इसको भुनाई करनी है इसके अंदर, उसके बाद बाकी चीज़ें जो भी ऐड करती है वो दिखाती हूँ आप लोगों को। और व्यूअर्स, ये हमने ले लिया थोड़ा सा गर्म मसाला, और थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने खुद घर में तैयार किया है। मैं खुद घर में जो होते हैं ना गर्म मसाले, वो खुद लाती हूँ और खुद घर में बनाती हूँ, गर्म मसाला घर में खुद तैयार करती हूँ। ये हमारा पूरा टोटली मसाला फ्राई हो चुका है, अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करेंगे कि ये जो चिकन है ना, ये बिल्कुल गल के ना रेशा रेशा हो जाए। जैसे इतना भी नहीं गलाना है कि बस इतना करना है कि रेशा इसका जो ना अलग अलग रेशा होने लगे, जब तक हमें इसको पकाना है। अब इसमें पानी कम है तो हम और भी पानी ऐड करते हैं। तो ये हमने इसको पतीला भर के आधा पतीला पानी का रख दिया, अब इसको पकाएंगे बॉईल होने तक, जब तक ये हमारा बॉईल होता है, फिर उसके बाद गलाने तक पकाएंगे। तो व्यूअर्स, फाइनली ये देखिए हमारा जो चिकन था ना, वो इतना गल चुका है जितना कि हमें चाहिए था, कि इसको हाथ लगाने से ना ये रेशा रेशा हो रहा है। तो मैं निकाल के चेक करवाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, हमें इतना इतना गलाना है, ये देखें। अब हमें इसके अंदर करना है अगला प्रोसेस, हमें ये करना है। ये तो बिल्कुल रेडी है, मसाला नमक मुझे सारी चीज़ें बराबर है। अब हमें ये करना है कि हमें थोड़ा सा आटा ले लेना है, जो भी आप रोटियां पकाते हैं वो आटा ले लेना है, उस आटे का बनाना है हमें पेस्ट। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। क्या तो व्यूअर्स, ये हमने बना लिया आटे का पेस्ट। अब इस आटे के पेस्ट को हम इसके अंदर ऐड करना है। आटा डालने के बाद कुछ इस तरह लुक है। अब इसको हमें देना है तड़का लगाना है। अब तड़का हम तेल और लाल मिर्चों का तड़का लगाएंगे। ये हमने ले लिया इसमें थोड़ा सा तेल, अब इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, उसके बाद तड़का लगाएंगे। तो ये ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था, जिसकी वजह से मैंने ना उतार दिया है नीचे। हमें नीम गर्म तेल डालना है, मतलब ज़्यादा तेल तेज़ गर्म में नहीं डालना है, क्योंकि फिर हमारा हो सकता है लाल मिर्चें जल ना। तो व्यूअर्स, ये मैं बना रही पुदीने की चटनी, और ये है धनिया और पुदीना। इसको हमने काट काट के इसको हमने अच्छे से वॉश किया है, अब इसकी बनाएंगे चटनी। और ये देखिए, मैं चटनी में हरी मिर्ची और ये लहसुन और ये टमाटर, तो मैं ये चीज़ें ऐड करके चटनी बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। तो ये मेरा अपना ही तरीका है, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ और ये मेरी अपनी रेसिपी है। तो ये है धनिया पुदीना और ये है हरी मिर्ची टमाटर और जो है ना ये लहसुन है। अब दिखाती हूँ आगे किस तरह बनाती हूँ। तो व्यूअर्स, ये है धनिया पुदीना और ये है टमाटर और ये है लहसुन और हरी मिर्ची, और ये मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया, मैं जीरा भी डालती हूँ उसके अंदर। और ये मैंने ले लिया नमक, और इसमें डालनी है हमें दही, और अगर आपके पास दही अवेलेबल ना हो तो आप इमली भी ऐड कर सकते हैं। शुगर